आजाद होते ही मुल्क में जब से युद्ध हुआ 62 का चाइना के साथ में, तब से देख रहे हैं 62 का युद्ध हो चाहे 65 का पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए वो हमने देखा, और कारगिल के युद्ध के वक्त में भी जो ज्ञाबार लोगों ने जो अपनी जान की बाजी लगा करके बहुत कठिन टेरिन थे वो पहाड़ी इलाका था, तब भी हमारे जवानों ने शहादत दी है। और उस वक्त में दो घटना मुझे याद है, जब मेरे 57 जी शहीद हुए थे तो मैं खुद 12 साल का था, मैं खुद शरीक हुआ उनके दाह संस्कार के अंदर जोधपुर के अंदर। तब से मन में भाव आते हैं कि किस प्रकार एक नौजवान अपनी जान की बाजी लगाता है देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। करगिल के दुआ तब मैं मुख्यमंत्री था यहाँ पे 20 साल पहले लगभग, तब मैं करीब 56 शहीदों के घर गया था, और क्या गांव गांव उमड़ रहे थे, गांव के गांव क्या जज्बा था। और उसके बाद में जब मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि आपके जवान जो थे वो नौजवान थे, 22 साल 24 साल 25 साल 26 साल के थे, और उनके माता पिता ने उनके दादा दादी जिंदा है, उनको जब मैंने सुना उनके मुंह से, दादा दादी के मुंह से भी, माँ बाप के मुंह से भी कि मुख्यमंत्री जी चिंता नहीं करो हम अपने दूसरे बेटे को भी भेजने के तैयार हैं, ये जज्बा राजस्थान की घर घर में मिलेगा हमें। तो मैं राजस्थान का, मैंने उसने कहा मैं मुझे घर है कि मैं उस राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ जहाँ पर घर घर में जज्बा है देश प्रेम की भावना का और देश की सीमाओं की रक्षा करने का। इसीलिए मैं उनसे समझा कि हम कुछ साथियों से बात करें आज, जो जैसा अभी आपने कहा कि पहले से आप लोग लगे हुए हैं, जैसे ही ये कॉल हुई आपकी और कोरोना का जो संकट पैदा हुआ तो मैं समझता हूँ कि जो फौज में रह जाता है एक व्यक्ति उसके दिल में तो जीवन भर अंतिम सांस तक की भावना रहती है कि मैं जब कोई मौका लगे बाढ़ आ जाओ, अकाल पड़ जाओ, सूखा पड़ो या कोई संकट आओ तो मुझे मेरी ड्यूटी निभानी है, चाहे भले वो रिटायर्ड हो गए हों तब भी। और ये भावना हम गांव में जाते देखते आज भी देखते हैं, गांव में कोई संकट आ गया, गांव में कोई मुसीबत आ गई तो पहले सैनिक बाहर निकलेगा, फौज का जो रहा व्यक्ति है क्या किसी पोस्ट पर रहा हो वो अपनी ड्यूटी समझ करके काम करता है। तो इसलिए ये संकट बहुत बड़ा संकट है और पता नहीं ये संकट क्या मोड़ लेगा पूरे विश्व के अंदर, कोई नहीं जानता है। वैक्सीन कब आएगी, कल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था वो कहता है 1 साल भर लग सकता है, 2.5 साल लग सकते हैं, अलग अलग तरह के आर्टिकल आते हैं, कुछ कहते हैं 10 महीने में आ जाएगा। तो ये तमाम बातें वैक्सीन आने पे ही मालूम पड़ेगा, इस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए लंबी लड़ाई की तैयारी भी करनी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमें इस बात का गर्व है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जमकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया राजस्थान के अंदर, जैसा अभी स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे आपको कि किस प्रकार से हम पहले पुणे और दिल्ली भेजते थे सैंपल हमारे, आज हम 40,000 से क्रॉस कर गए हैं टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग ही इसका एक तरीका है, अप्रोच है रोकने का। और आईसीयू बेड हो चाहे वेंटिलेटर हो, 1 लाख हम लोगों ने क्वारंटाइन के लिए तैयारी कर रखी है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से राजस्थान वो राज्य देश के अंदर बन गया है जिसने कैसी भी स्थिति बनेगी वो कोरोना जंग लड़ने में हम लोग मुकाबला करने में पीछे नहीं रहेंगे, ये हमारी तैयारी हुई है और आगे और होगी जब हमारे PHC CHC सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और मजबूती आएगी। जो सुझाव देंगे डॉक्टर लोग वो हमारे MLA साहबान अपने अपने क्षेत्र में चाहेंगे कि हम अपने क्षेत्र में इन हालात में ढांचागत मजबूत करने का प्रयास करें। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं रख रही है, डॉक्टर लोग रात दिन एक लगे हुए हैं। आपने सबने महसूस किया होगा जो मुझे सुन रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर
इस बार ये जंग जो लड़ी गई है ये आप सबके सहयोग से, कोई वर्ग ऐसा नहीं है राजस्थान का, डॉक्टर फैटनिटी तो है ही है, उसके अलावा पुलिस प्रशासन हो, कांस्टेबल तक भी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा सहयोगी हो, पटवारी, ग्राम सेवक क्यों नहीं हो, वार्ड पंच सरपंच क्यों नहीं हो, जिला परिषद या पंचायत समिति मेंबर हो, प्रधान प्रमुख हो, पार्थ दो शहरों के अंदर सबने मिलके, मैं समझता हूँ जो आह्वान किया गया उस ढंग से सब इन्वॉल्व हो गए। और जैसा भी कहा गया आपको, हमने शुरुआत ही करी, विपक्षी नेताओं को साथ लिया, धर्म गुरुओं को बुला के बातचीत करी कि मंदिर में पूजा पाठ आप खुद करें पर पब्लिक के लिए आना उचित नहीं रहेगा, उन्होंने हमारी बात को माना। एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया, रिटायर्ड डॉक्टरों को बुलाया गया और ऐसा माहौल बन गया कि राजस्थान का हर नागरिक ने अपनी भूमिका अदा करी है, कोई भूखा नहीं सोए, राजस्थान सतर्क है, ये बात हमने कही थी। मुझे खुशी है कि कोई भूखा नहीं सोए, ये लोगों ने ऐसा अपनाया कि भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, आप सब ने, जिसका जो बस चला उसने अपने अपने हिसाब से घर पे खाना बनाया, कुछ बांटा भी है, बाकी संस्थाएं भी आगे आई, MLA साहब आ गया है, चाहे कोई पार्टी के हों, MLA फंड से उपयोग किया गया और अपना प्रभाव का उपयोग लेकर के भी लोगों को मोटिवेट किया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब तरह से लोगों ने पका हुआ खाना भी और कच्चा खाना ही बांटा, सरकार ने कोई कमी नहीं रखी, 2500 रुपये हमने खाते में डाल दिए मजदूरों के, BPL अंत्योदय योजना वालों को, स्टेट BPL लोगों को और गरीब गरीब जनता को गेहूं और दाल, भारत सरकार का सहयोग भी मिला हमें और सहयोग कहीं कमी पड़ गई मान लीजिए, उनके नाम से नहीं आते थे तो सरकार ने मार्केट प्राइस से गेहूं के मृत्यु दर के हों, चाहे रिकवरी रेट तो आज हम हाइएस्ट हैं देश के अंदर, 80% से पार कर गई हमारी और डबलिंग रेट भी हमारी बहुत शानदार है देश के अंदर, सब तरीके से हम लोग पैरामीटर में बहुत आगे हैं और पूरा देश मानता है, इस बात की हमें खुशी है। बीराड़ा मॉडल बना, हमने नहीं बनाया था उसको, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिक्लेयर किया था। इस रूप में ये कोरोना लड़ाई, अभी तो कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है, आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात, आपके अनुभव गाँव के, आपके क्षेत्र के बताएं, जिससे और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको तकलीफ देने का विशेष मकसद यही है कि सरकार चाहती है हर वर्ग से बात करे, हमने बातचीत करी है, सरपंच तक बात करी है, सबसे बात करी, जिससे कि हमें गांव तक का फीडबैक मिले और सरकार का जो गवर्नेंस है कोरोना के अंदर उसको हम लगातार इम्प्रूव करते जाएं, ये हमारा मकसद है। मुझे खुशी है कि आप सब जिलों में बहुत रुचि आए हैं और जैसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने कहा, कभी मौका लगेगा ना आप चाहोगे तो हम लोग चाहिए और लोगों को इन्वॉल्व करें जिससे कि लोगों तक बात पहुंचे। वैसे आप लोग सक्षम हैं, आज जो आप आए हैं वो अपनी बात, हम सबकी बात आप पहुंचाएंगे गांव-गांव में और सबको इन्वॉल्व करेंगे। और जैसा मैंने कहा आपको, ये लड़ाई कब रुकेगी कोई नहीं कह सकता, कोरोना के साथ में हमें रहना सीखना पड़ेगा। और ये बात मैं गंभीरता से कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो हमने अभियान चलाया है जागरूकता का अभियान, यही बचाव है जिंदगी बचाने का, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सरकार मेडिकल साइड में सब तैयारी कर रही है, सब सुविधा कर दी है, इलाज जो संभव होता है बिना वैक्सीन के हमारे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हमने कहा मृत्यु दर जितना कम कर सको उसकी तरफ आगे बढ़ो, ये अभियान में अलग चलवा रहा हूँ, अस्पतालों में विशेष ध्यान रखे हैं। परंतु आपसे मैं निवेदन करूंगा कि पब्लिक को कहीं घबराए नहीं, एक तो पर घबराए नहीं का मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना कोई खत्म नहीं हुआ है, कोरोना आज मौजूद है, हमें कोरोना में किस प्रकार बिहेव करना है,
अगर इसमें लापरवाही करी तो उदाहरण आ रहे हैं कई जगह पर, एक उदाहरण है कभी शादी में गए थे वही पड़ोस में हरियाणा के अंदर गए थे, कहाँ के लोग थे, कहाँ से गए थे, उदयपुर झुंझुनू से गए हरियाणा के अंदर, तो जो गए सब कोरोना के पॉजिटिव होके आ गए वहां से शादी के अंदर। इसी तरह राजस्थान में अगर कुछ शादियों में जाएंगे ध्यान नहीं रखेंगे, ये जब तक कोरोना के लास्ट व्यक्ति तक पहुंच के टाइमली उसको टेस्ट करके इलाज शुरू नहीं कर देंगे ये बढ़ते ही जाएगा। पर तो हमारे 600 आगे राजस्थान हाईएस्ट आगे, क्योंकि हमने क्या किया टेस्ट बढ़े, टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। अप्रोच दो ही होती है इसके अंदर, एक तो है कि आप अपना आप ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो सकती है क्योंकि इसमें आपको जानकारी होगी कि जो बीमार व्यक्ति पहले से है चाहे वो किडनी का हो हार्ट का हो डायबिटिक हो या और कोई बीमारी हो, अगर उसको कोरोना पॉजिटिव होता है तो ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि कोरोना इन्फेक्ट होते ही उसकी कई गुना ज़्यादा बीमारी जो होती है वो फैल जाती है या लंग्स की बीमारी हो। इसलिए हम कहते हैं बुजुर्गों में विशेष ध्यान रखो, 60 साल के बड़े लोगों का, या ज़्यादा बीमारी एक साथ में है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है इलाज करना भी और बचना भी, उनका विशेष ध्यान रखें। या 10 साल के छोटे बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखें। बाकी लोग बचते हैं पर कभी कभी वो भी व्यक्ति चला जाता दुनिया से, हमें हर व्यक्ति का ध्यान रखना है। और उसका दो अप्रोच है कि या तो हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे, तो टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं आपको अखबार में पढ़ करके, तो संख्या बढ़ने का मतलब नहीं है कि वो सब संक्रमित हो गए तो सब तकलीफ में आ गए। दो तरह के संक्रमित थे, एक तो है जिनके सिम्टम आते हैं खांसी जुकाम बुखार आ गया स्थिति बिगड़ रही है, एक तो वो पॉजिटिव है, उसके लिए ध्यान देना ज्यादा जरूरी है सरकार का, भर्ती करो अस्पताल में टाइम नहीं ले जाओ। अधिकार मौतें हो इसलिए हुई राजस्थान के अंदर कि उसको पहले टाइमली अस्पताल में ले जाया गया है, घर पे रखा गया इलाज के नाम से या दवा जो भी अपन करते हैं गाँव के अंदर उसके हिसाब से। ये ऐसी बीमारी है जैसे सिम्टम मिले एक बार कृपा करके उसको अस्पताल ले जाके दिखवाएं, टेस्ट करवाएं, अगर नेगेटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आएगा तो फिर उसका आपको इलाज शुरू करवाना चाहिए, भर्ती करवाना चाहिए। दूसरा जो है इसमें सिम्टम नहीं दिखते, अधिकांश लोग वो मिलेंगे आपको जो ये संख्या आ रही है जो 600 आगे मान लीजिए 550 वो लोग होंगे जिनके लगते नहीं कि हमें कोई ना जुकाम है ना खांसी है ना बुखार है, तब भी वो पॉजिटिव आ गया उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 99% ठीक होते हैं वो, खाली उनको घर में अलग रखना जरूरी है, या घर में या स्वस्थागत अगर सरकार ने बनाया है उसके अंदर, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो अगर आदमी अभी उसके सिम्टम नहीं है ना खांसी ना जुकाम ना बुखार है तभी वो संक्रमित अगर है तो उसकी इम्यूनिटी मजबूत है, उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत है इसलिए इसमें सिम्टम नहीं है। परंतु अगर वो व्यक्ति दोस्तों में जाएगा घूमेगा फिरेगा और लोगों को संक्रमित करेगा हो सकता है उसकी इम्यूनिटी कम हो, बीमारी लड़ने की क्षमता कम हो तो वो ज्यादा संक्रमित होकर तकलीफ में आ सकता है और बीमारी फैल सकती है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम बिल्कुल ध्यान रखें, हर व्यक्ति को हम कैसे ध्यान रख रहे हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं, अधिक से अधिक हम लोग करवा रहे हैं, हम टेस्ट करवा रहे हैं, जहाँ कोई मिल जाता संक्रमित एरिया में पूरे एरिया को हम पहले तो कर्फ्यू लगाते थे, आजकल अप्रोच बदल दिए भारत सरकार ने भी हम लोगों ने भी, कर्फ्यू की बजाय उन्हें लाके कॉर्डन करके हम लोग चाहते हैं वहाँ के लोगों को क्वारंटाइन करें घरों में और उसको टेस्ट करवा दें। तो ये आप बराबर पढ़ते होंगे, मुझे लंबी बात नहीं कहनी है, मैं आपसे सबसे पहले अपील करूंगा अजमेर से कैप्टन अशोक तिवारी जी से, वो अपनी बात कहें। सर सबसे पहले मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों की ओर से काफी गौरवान्वित और गर्व महसूस करता हूँ हमारे राज्य पे और हमारे राज्य सरकार पे,
आज एक जनता में एक विश्वास है, जिस तरह से राज्य सरकार ने इस कोविड काल में जिस तरह से हैंडल किया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम फौजी एक्स सर्विसमैन अनुशासित और कमिटेड हैं। जो भी सपोर्ट हम कर सकें, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटीज़ में हो, चाहे वो सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग ड्यूटीज़ में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल सेंटर्स में हो, डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिक तैयार है सर, और हर माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हम अपना फ़र्ज अदा कर सकें सर। जय हिंद सर। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का प्रभाव आपके, आप अपना ध्यान भी रखें, अपने परिवार का ध्यान भी रखें, परंतु साथ में आप लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। आपकी बात का वजन पूरे क्षेत्र में, गांव में होता है, उसका लाभ हमें मिलेगा जिसकी आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अलवर से सूबेदार साहब मेजर रोहितार साहब, बात कर। परम आदरणीय वह प्रशासनिक अधिकारी, सबसे पहले तो हम जितने गौरव सेनानी हैं आपका आभार व्यक्त करते हैं कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने रिटायर फौजियों से बात करी हो, जिनका जोश अभी दुगना हो गया है। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जितने हमें आदेश राज्य कल्याण अधिकारी की तरफ से मिलते रहे हैं, उनकी हमने पालना करी है। सबसे पहले हमने हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको 500 से 600 के बीच में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व कर चुके हैं। इसमें ड्राइवर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग असिस्टेंट हैं, उसके बाद में ये टीचर हैं, ये सब इन्वॉल्व हैं। फिर एक राज्य कल्याण अधिकारी की तरफ से हमें एक निर्देश आया था कि वॉलेंटियर की सूची, वो भी हम हमारे राज्य कल्याण अधिकारी तक पहुँचा चुके हैं। जो हमारे माननीय सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से आदेश निर्देश मिले हैं, हमने अपना संग डाउन टू ढाणी तक कर रखा है, जिला फिर तहसील, 16 तहसील हैं जिनके ब्लॉक तक बांट रखे हैं, और जो निर्देश हमारी राज्य सरकार के हैं वो हम गांव-गांव ढाणी ढाणी उनकी अनुपालना करवा रहे हैं, और हम वॉलेंटियर भी अपने गाँव में, ढाणियों में, सब जगह कोरोना के जो खिलाफ जागरूकता है वो फैला रहे हैं और जिला प्रशासन की पूरी मदद कर रहे हैं। भविष्य में भी हम अपनी सरकार और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहते हैं। सारे के सारे गौरव सेनानी इस काम के अंदर हमें जब हुक्म, जैसे हुक्म मिलेगा वो करते हैं। हमारे कल्याण अधिकारी जो राजस्थान राज्य के हैं और हमारे जो जिले के हैं, इनके थ्रू हम हमारी फीडबैक रोजाना की लेना और देना, वहाँ के निर्देश उनके पालना करवाना, प्लस हमारे को क्या प्रॉब्लम है इनके थ्रू हम आगे तक भेजना, इस काम में हम। और भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि अब जो भयंकर बीमारी है, फैल गई है, इसके अंदर रात दिन हम एक कर देंगे। सेल्फ डिसिप्लिन को रखते हुए हम अपना जो सरकार की आदेश है, पालना है, इनके सारे नियमों का पालन करते हुए हम पूरी राजस्थान सरकार की तह दिल से मदद करना चाहते हैं। पूरे गौरव सेनानी हमारे यहाँ जिले के अंदर करीब 26,000 गौरव सेनानी हैं, जो सारे के सारे वॉलंटियर हैं। जो राज्य प्रशासन का हमें आदेश मिलेगा हम उसकी पालना करवाएंगे सर, और इसको जो लड़ाई है एंटी कोरोना, उसमें हम आपका मदद करेंगे सर। अंत में मैं बहुत बहुत आभारी हूं सर, एक मुख्यमंत्री ने मेरे पहली बार देखा है जो गौरव सेनानियों की तरफ से आकर के इंटरेक्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं बीकानेर से सूबेदार गोविंद सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी बात करें। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, और बीकानेर के तमाम पूर्व सैनिकों की तरफ से। तो कोरोना के जो लक्षण हैं वो किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है, क्या कुछ सावधानियां रखनी है, सरकार की तरफ से किस तरीके कदम उठाए गए हैं टेस्टिंग को लेकर, इसका जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। कोरोना के लक्षण ज़्यादातर लोगों में नहीं दिखते हैं, यानी असिम्प्टोमैटिक जो केसेस हैं उनका सामने आना कहीं ना कहीं चिंता भी है, और इसीलिए एहतियात काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। हमें अपने प्रदेश पर गर्व है, सैनिक किसी भी हालात में अपनी ड्यूटी करता है, सैनिकों की भी यहाँ पर सराहना मुख्यमंत्री करते हुए नज़र आए, जिसमें किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जो डेडिकेशन है वो दिखाया, और खासतौर पर भूतपूर्व सैनिकों का भी जिक्र यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना काल में
उन्होंने प्रदेश में जो सेवाएं अपनी दी हैं वो अभूतपूर्व हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर्स जो सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं, सबसे आगे जो लड़ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत जज्बे से काम किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जूनियरों से, सूबेदार साहब, मेजर रामकृष्ण दारा साहब, जूनियरों की दरा से पूर्व सैनिकों की तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूं जी। सबसे पहले कोविड 19 के बारे में जैसे ही महामारी शुरू हुई, हमारे राज्य सैनिक कल्याण अधिकारी साहब ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के जरिए हमें सूचना दिया कि जो पूर्व सैनिक हैं वो ऐसे स्वयं सेवक की तरह यदि कोई अपना काम करना चाहे तो अपनी ड्यूटी करें। हमारे पूर्व सैनिकों की इतनी लंबी लाइन लगी और हमने पूरी एक लिस्ट बना करके हमारे जिला सैनिक अधिकारियों को दिया और हमने गांव ढाणियों से लेकर के शहरों तक का मोर्चा भी संभाला। यदि भूखा प्यासा कोई मजदूर आया हुआ था उनके खाने का बंदोबस्त किया गया, मास्क वगैरह का वितरण किया गया और हमने इवन दो गर्मी का टाइम होने की वजह से पशु पक्षियों का भी विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं अपना मानव जाति अपना बचाव करते रहे, पशु पक्षी वो बेसहारा हो जाए, तो हमने उनका भी विशेष ध्यान रखा इस मामले के अंदर। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैं ये आश्वास करना चाहता हूँ कि झुंझुनू जिले के पूर्व सैनिक एज ए कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डाल करके भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे और अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि झुंझुनू की भूमि है वो सदा ही वीरों की भूमि रही है। राजस्थान का इतिहास बताता है कि यदि झुंझुनू में यदि किसी भी बॉर्डर के पोस्ट के ऊपर यदि किसी सैनिक की जरूरत पड़ी है, यदि वहां पे 20 सैनिक है तो वहां एक झुंझुनू का सैनिक पक्का मिल जाएगा। इस चीज का हमें बड़ा गर्व है और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हम कोरोना को एक दिन हराएंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार के साथ में हैं। लेकिन मेरी माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक और हाथ जोड़कर करवत निवेदन है कि हमारे पूर्व सैनिक वॉलंटियर्स जो कोरोना में सेवा दे रहे हैं अपनी, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है, तो हमारा सभी पूर्व सैनिक झुंझुनू की तरफ से ये पॉइंट आया था तो उनको भी इस इंश्योरेंस कवर के अंदर शामिल कर लिया जाए तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि सरकार एक कदम चलेगी तो पूर्व सैनिक दो कदम आगे साथ रहेंगे उनके। इसी के साथ में मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया आपके। तो शेखावटी तो पूरे देश जानता है शेखावटी का योगदान क्या रहता है, हर संघर्ष के अंदर, हर सीमाओं की रक्षा के अंदर अंदर। अब आपने कहा है कि इंश्योरेंस कवर की बात की, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके संदर्भ में छोड़ता हूँ कि पूरा परीक्षण करवाएं कि क्या ये संभव है, फिर मेरे पास आके बात करें, मुझे ज्ञापन दें, फिर मैं देखवाता हूँ। अब जयपुर से श्री राम सहाय बाजिया साहब, सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जिस संवेदना से राजस्थान के अंदर जो काम कर रहे हैं सर, उसका देश के जो प्रधानमंत्री जी है वो भी बड़ाई कर रहे हैं और आम जनता भी तहे दिल से बड़ाई कर रही है कि आपकी जो संवेदनशीलता है वो दिखती है और जो गरीबों के प्रति जिस प्रकार से आपने लॉकडाउन में दिखाया था सर वो बहुत ही तारीफ काबिल है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात सर, चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, फौरन लौटते हैं।